श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। वशीकरण मंत्र मैं बहुत कम देता हूँ। आज जो वशीकरण मंत्र दे रहा हूँ ये यक्षिणी के माध्यम से वशीकरण का विधान है। ये विधान उन पर चलता है जो संसार का जो नियम है उसके विरुद्ध जाए, मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी और के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं, वैसे लोगों को वश में करके और सही दिशा दशा में लाने के लिए इस साधना को किया जाता है। मतलब कैसा, विवाह के संबंध में बंधे हुए हैं, पर नारी या पर स्त्री में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वैसे लोगों पे ये वशीकरण प्रभावी होता है। ये एक एग्जाम्पल है। कोई भी सोशल नॉर्म के विरुद्ध अगर कोई कार्य कर रहा है, वैसे व्यक्ति को सही मार्ग पे लाने के लिए ये वशीकरण का प्रयोग होता है। क्या क्या सामग्री चाहिए होती है इस वशीकरण में? इस वशीकरण में एक मिट्टी का हम पुतला बनाते हैं, यक्षिणी स्वरूपा, उसको भास्करमती यक्षिणी के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। तो मिट्टी का पुतला बना के उस पर एक साड़ी लपेट के और उसको श्रृंगार पूरा करते हैं, ठीक है। और इनकी हम 9 दिन पूजा करते हैं। इनको भोग में क्या चढ़ाते हैं हम? तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो होता है एक शरबत, जो कि केसर, शक्कर का मतलब ये जो चीनी बाज़ार में मिलती है वो वाली चीनी नहीं, जो गुड़ से शक्कर निकलता है वो शक्कर, और जल मिला करके एक शरबत बनाया जाता है, वो इनको चढ़ाया जाता है, ठीक है। इनको इत्र में केसर का इत्र चढ़ाया जाता है। केसर के अलावा कस्तूरी इत्र भी चढ़ाया जाता है। केसर कस्तूरी एक अलग इत्र होता है, उसको मत चढ़ाइएगा। केसर का इत्र नहीं मिल रहा है तो कस्तूरी का इत्र चढ़ेगा, ठीक है। भोग में इनको क्या चढ़ता है? भोग में इनको फल या शुद्ध रूप से बना हुआ मेवा, मतलब जिस जो स्नान ध्यान करके खुद से बनाया हुआ ऐसा कुछ मेवा जो हो, जिसमें अन्न का मात्रा ना हो, वैसा मेवा चढ़ता है। पुष्प इनको कौन सा चढ़ता है? पुष्प इनको कमल चढ़ता है, पुष्प इनको गुलाब चढ़ता है, ठीक है। 2 ही 3 पुष्प हैं जो इनको चढ़ते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो आपको आज के दिन में मिल जाएगा वो गुलाब है, लाल गुलाब, या फिर आप इनको चढ़ा सकते हैं कमल का फूल, ठीक। तो भोग हो गया, जल हो गया, गंध हो गया, दीप हो गया, दीप नहीं हुआ, दीप में आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है, ठीक है। और इतना कुछ करने के बाद धूप में कोई भी सुगंधित गुलाब का धूप रखेंगे, और ये सब रखने के बाद जब इन सब चीज़ों को आप अर्पित कर देंगे तो फिर अंत में एक कटोरे में, ठीक है, कटोरा स्टील का नहीं हो सकता है, तो तांबा या कासा जो आपके पास उपलब्ध है उसमें भर के मधु रखेंगे उस व्यक्ति के नाम से जिस व्यक्ति पर वशीकरण करना है आपको, जो व्यक्ति पथ भ्रमित हो चुका है। तो जब आप सब कुछ अर्पण कर देंगे, जब पूरा श्रृंगार करके दीप जलाएंगे, धूप जलाएंगे, शरबत अर्पण करेंगे पहले, फिर आप नवेद अर्पण करेंगे, इत्र अर्पण करेंगे, ठीक है, तो इतना करने के बाद आप संकल्प लेंगे कि मैं ये 9 दिन का जो पूजा है ये अमुक व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने के लिए कर रहा हूँ, जिसका गोत्र ये है, जिसका मूल ये है। मूल गोत्र ना पता हो तो कम से कम गोत्र पता होना चाहिए, और पिता का नाम और ग्राम, ये सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इतना करने के बाद वो मधु का पात्र जो है उस व्यक्ति के प्रतीक स्वरूप वहाँ पर हम रख देंगे कि ये व्यक्ति के प्रतीक स्वरूप ये मधु का जो है पात्र मैं आपको समर्पित करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मंत्र करेंगे। मंत्र मैं आपको 2 बार बोल के सुना रहा हूँ। मंत्र है ओम भास्करमती यक्षिणी सुधा सागरम बृहत बृहत यक्षुनी। पहले लाइन में यक्षिणी, दूसरे लाइन में यक्षुनी। ब्रह्म शांतिनी यशोमती नयना देवी काकुली कर्म
जातिनी, यशस्वी, भार्या, जान, परिजातन, जयावानी, या इसको जयावानी भी बहुत लोग पढ़ते हैं, जयावानी लेकिन होता है, वशिताम, कंठा, रानी, भवा भवा, आगच्छन्ति, प्रासवः, अस्ति नमामि। ठीक है, तो ये मंत्र है, इसको 9 दिन तक आप एक एक माला जाप करेंगे, सिर्फ एक माला। समय रात्रि में 11 बजे के आसपास हो, मतलब 11 के बाद हो। वस्त्र जो है वो लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, सफ़ेद और काला इसमें वर्जित होता है। ठीक है, तो ये है, आपका जो आसन हो वो लाल हो और ऊनी हो तो बेहतर रहेगा। दिशा जो रहेगा वो आपका चाहे तो साउथ रहेगा या फिर नॉर्थ रहेगा। साउथ करना ज़्यादा उत्तम होता है, साउथ में अगर आपको आकाश मार्ग दिखे तो उससे उत्तम कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर मंत्र सुनिए। ओम भास्कर मती यक्षिणी सुधा सागरम, बृहत बृहत यक्षुनी, ब्रह्म शांतिनी, यशोमती, नयना देवी, काकुली, कर्म जातानी, शश्वी, भार्या, जान, परिजातन, जयावानी, वशिताम, कंठा, रानी, भवः भवः, आगच्छन्ति, प्राशवः, अस्ति नमामि। ये आप कर लेंगे। उसके बाद आम की लकड़ी लेंगे 9, उसको जो योनि कुंड बनता है उस तरीके से आप सजा लेंगे, और उसके बाद शुद्ध गाय के घी में, शुद्ध गाय के घी में मधु मिलाएंगे, और जो आपके पास कमल का फूल है, कुछ कमल का फूल रख लेंगे 108 के आसपास, मतलब दशांश के आसपास, और कमल के फूल को इस घोल में मिला करके उसके बाद दशांश हवन करेंगे। ठीक है, इतना करने से वो जो मनुष्य है वो आपके वश में होने लगेगा, मतलब वो जो भी बुरा जो उसका जो मानसिकता है, जो मानसिक प्रभाव है वो छूट जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो 9 दिन आपने मधु उसके नाम का रखा है, वो सारा मधु इस मिश्रण में आना चाहिए जो हवन में आप जो हवन कर रहे हैं उसमें जो मिश्रण दे रहे हैं। दूसरा, इस हवन से जो राख बनेगा उस राख को थोड़ा लेकर के उस जातक के घर में जा कर के छीट देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। इसमें साधना का जितना शुरुआती आयाम हम सिखाते हैं। मेरे आगामी कार्यक्रम और लेख के लिए www.aghortantrasya.com पर लॉगिन कीजिए। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप एक ऐप है, उसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी पर कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग।